सरदार, हम दिखाएं वही जिसमें हो सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे की बात, जिस खबर को सही और गलत के तराजू में तौल कर पहुंच सके आप एक सटीक और दमदार निष्कर्ष पर। ऐसे ही खबरों को आप देखते हैं इंडी टाइम्स पर। नमस्कार, मैं हूं बबली और आप देख रहे हैं दमदार 10। आपको देश, दुनिया और आपके हित की खबरें बताऊं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप खबरों को बिना किसी मिर्च मसाले के देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर प्रोग्राम की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मनीष कश्यप तमिलनाडु के सेंट्रल जेल में बंद है, जहां मनीष दिन रात बस यही सोचता रहता है कि आखिर मेरी गलती क्या थी, मुझ पर NSA क्यों लगाया गया, क्या मैंने सच का साथ दिया, यही मेरी गलती थी। पटना में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिस दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंच शेयर नहीं किया। प्रजापति समन्वय समिति के कार्यक्रम में कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद कन्हैया तो कार्यक्रम में पहुंच गए लेकिन तेजस्वी यादव ने उनसे दूरी बना ली। अब न जाने ये दूरियां किस कारण थी। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और इसी बीच एक तरफ जहां बीजेपी सरकार देश भर में 9 साल बेमिसाल नाम से एक अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर कविता के जरिए निशाना साध दिया है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। चिराग ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि ना किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या उस समय आनंद मोहन को फंसाया गया था या अब बचाया गया है। गया की एक मेडिकल कॉलेज थाना क्षेत्र में बॉयफ्रेंड के सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड से मनचले लड़कों ने छेड़खानी की और बॉयफ्रेंड कुछ नहीं कर सका, बस खड़ा खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड का तमाशा बनता देखता रहा, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की रोते हुए सबसे अपने आप को इन शरारती लड़कों से बचाने की गुहार लगा रही है, लेकिन शरारती लड़के अपनी हरकतों से जरा भी बाज नहीं आ रहे हैं। मनीष कश्यप के समर्थकों ने मनीष की माँ को कहा है कि माँ तुम अकेली नहीं हो, हजारों युवा तुम्हारे साथ हैं, मनीष के साथ हैं। साथ ही मनीष के समर्थकों ने ये भी कहा कि जिस तरह मनीष ने अनगिनत माओं के आंसू पोंछे हैं, अब उनकी बारी है मनीष की माँ के आंसू पोंछने की। पटना में लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं, शहर में लू का प्रकोप है और पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आज से यानी कि 1 जून से गर्मी और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। गर्मी और लू से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपायों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन उससे भी कुछ खास राहत नहीं मिल पा रही है। पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार अब शराब पकड़ने के लिए कुत्ते के सहारे कटिहार में शराब ढूंढेगी, जिसके लिए विभाग ने मधु नाम की एक फीमेल कुत्ते को उत्पाद विभाग को सौंप दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मधु को शराब पकड़ने की ट्रेनिंग पुणे और पटना में दी गई है। RJD कार्यालय में महागठबंधन के सभी दलों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी ने मिलकर एकजुटता का संदेश दिया। साथ ही बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाने का फैसला भी लिया गया, जिसके तहत अब 15 जून से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू किया जाएगा। मनीष कश्यप पर हुई कार्रवाई से मनीष के फैन और मनीष के समर्थक तो बिहार सरकार और बिहार के डेप्यूटी CM तेजस्वी यादव से नाराज तो थे ही, लेकिन अब मनीष के समर्थन में सभी पत्रकार भी एकजुट हो रहे हैं और उनका कहना है कि जो आज मनीष के साथ हो रहा है वो कल किसी भी पत्रकार के साथ हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो भी पत्रकार सच दिखाएगा उस पर NSA लगा दिया जाएगा। ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडी टाइम्स। नमस्कार।